देखिए, आप लोगों के बहुत उत्सुकता है, मैं जानता हूँ। सवाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 50ों की संख्या में है। एक ही सवाल रिपीटेड करेंगे आप तो हमको परेशानी होगी आपस में सुनने में। आप सबों के मन में ये सवाल है कि मैंने VRS लेकर के एक राजनीतिक दल का सदस्य बना, ज्वाइन किया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने दल की प्राथमिक सदस्यता हमको दिलाई, तो मैं उस सदस्य की हैसियत से अभी भी जदयू में बना हुआ हूँ, उनके पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। मेरे VRS लेने और पार्टी की सदस्यता को लेने से उसको सीधे चुनाव से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने की संभावना थी, मैं हमेशा कहता रहा, चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं NDA के साथ हूं, NDA के साथ रहूंगा, और जहां भी पार्टी NDA मतलब नीतीश जी का जहां भी आदेश होगा और भाजपा का, मैं दोनों दलों के लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां अपने प्रभाव का, अपने गुडविल का इस्तेमाल करूंगा। प्रचार में जाने की ज़रूरत होगी तो प्रचार भी करूंगा। अब तो मैं स्वतंत्र हूं और एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पॉलिटिकल आदमी हूं, तो पॉलिटिक्स में सबकी भूमिका निर्धारित होती है। अब पार्टी मेरी जिम्मेदारी तय करेगी और जो जिम्मेदारी तय करेगी उसको निष्ठापूर्वक मैं उसको निभाऊंगा। जहाँ तक मेरे बारे में आपकी जिज्ञासा होगी तो मेरे बारे में NDA के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है और अपने बारे में कुछ नहीं। थैंक यू सर। क्या लग रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति का दबाव हुआ जिसकी वजह से आपका टिकट कटा? क्योंकि आप पर आरोप लगा कि आपने महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया, शायद ये वजह रही आपको? क्या पहली बात तो ये वजह तो कुछ भी रही हो, ये बड़े नेताओं के बीच की बात होगी, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र सुशांत के मौत के प्रकरण में मैंने जो भी किया उसमें मैंने न कोई गलती की न उसका मुझे कोई अफसोस है। मैंने चार ही काम किया। जब उसके पिता वहां की इंक्वायरी से संतुष्ट नहीं हुए तो यहां उन्होंने FIR करने की इजाजत मांगी, हमने FIR करवा दिया, और FIR होने के बाद कोई रास्ता नहीं बचता है, जो FIR करता है उसको अनुसंधान करना पड़ता है, तो मैंने अपनी टीम भेज दी। उस टीम के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया उसको पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह हमारे अधिकारियों को हुमलिएट किया गया। महाराष्ट्र पुलिस को हमने बेइज्जत नहीं किया है, हम तो हमेशा से कहते रहे कि पूरे देश की पुलिस एक है और आपस में एकता और सॉलिडरिटी दिखाना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारी बिहार की पुलिस को बदनाम किया और बेइज्जत किया महाराष्ट्र की पुलिस ने। चार हमारे अधिकारी गए, उनके एकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी क्या? अनुसंधान के लिए गए तो उनको वाहन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी क्या? उनके साथ बैठ करके इज्जत से बात नहीं करनी चाहिए थी क्या? अनुसंधान उन्होंने क्या किया है उसके बारे में शेयर नहीं करना चाहिए थे क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से धक्का मार करके कैदी भवन में बैठा करके उनको भगाया गया। उसके बाद भी मैं सोशल मीडिया में जब मुंबई पुलिस के खिलाफ आक्रोश आने लगा तो मैंने खंडन किया, मैंने कहा कि नहीं, ये कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, महाराष्ट्र पुलिस ने हमारे अधिकारियों को बेइज्जत नहीं किया है। लेकिन मुझे लग गया कि बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, छोटे स्तर के पदाधिकारी हैं, इसलिए बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए मैंने एक बड़े अधिकारी को भेजा, एक IPS अफसर को भेजा, चिट्ठी लिखकर भेजा, सूचना दे करके भेजा, भाई ये जा रहे हैं केस को लीड करने के लिए, आपसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए, आप इनको IPS मेस में रहने की जगह दीजिए, इनको वाहन की सुविधा दीजिए। आपने दिया तो कुछ नहीं, IPS मेस तक नहीं दिया। ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि किसी देश का कोई IPS पदाधिकारी किसी प्रांत में जाए और सरकारी काम से जाए, सूचना दे करके जाए और आग्रह करके जाए और उसको IPS में रहने की व्यवस्था ना की जाए, तो अपनी व्यवस्था से कहीं ठहरा।
तो अपनी व्यवस्था से कहीं ठहरा तो मध्य रात्रि में जा करके उसको ठप्पा लगा करके चोर की तरह जिसे कैदी को लगाते हैं उस तरह क्वारंटीन कर दिया आपने कि आप बाहर नहीं निकल सकते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, किसी को बयान नहीं दे सकते। ये कितना ह्यूमिलिएटिंग है, कोई बता दे कि आजादी के बाद आज तक ऐसा हुआ है, कोई बता दे कि किसी आईपीएस अफसर के साथ किसी भी प्रांत में आजादी के बाद ऐसा हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। बिहार में भी हर दूसरे दिन दूसरे प्रदेश के पुलिस अधिकारी आते हैं, छोटे छोटे पदाधिकारी आते हैं, हर सुविधा हम लोग देते हैं, गाड़ी की सुविधा देते हैं, वाहन की सुविधा देते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, जहां छापेमारी करनी होती है उनके लिए बल की व्यवस्था करते हैं, सब करते हैं, एक भी कोई शिकायत करने वाला मिलेगा। और जब मैं डीजीपी था तब नहीं, हमारे पहले के भी डीजीपी थे उनके टाइम में भी हमेशा बिहार पुलिस ने सहयोग किया है। और हमारे लोग जब गए, उनको ठीक है, उनके मन में यह बात थी कि हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, हमको अनुसंधान करने का अधिकार नहीं है, तो बहुत साधारण सी बात थी। 12 बजे रात में जा करके चोर की तरह क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं थी, वो तो 2 लाइन की चिट्ठी सुबह 8 बजे उसको दे देते, बुला करके कह देते भाई हम आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, तो हम अपनी टीम को वापस बुला लेते। इसके बाद मैंने डीजीपी साहब से भी बात करने की कोशिश की, एसएमएस किया कि हमारे अधिकारी के साथ गलत हो रहा है, डीजीपी साहब ने बात नहीं किया, एसएमएस का जवाब नहीं दिया। तो मेरे पास और कोई रास्ता था मीडिया में आने के अलावा, मेरे पास कोई रास्ता था? तब मैंने मीडिया में आकर के हंगामा मचाना शुरू किया कि मुंबई पुलिस जो कर रही गलत कर रही है, और तब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपको ठगा गया? क्योंकि जिस आपने पहले भी कहा कि आप जो कुछ भी बोलते रहे हैं बिहार को लेकर मास्टर पुलिस पे, आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा था बोलने के लिए, तो कहीं ना जब आप अकेले में जाके मिलते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, वीआरएस लेते हैं, लोगों को उम्मीद थी, आपको भी उम्मीद थी, तभी आप इतना बड़ा स्टेप लिए होंगे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप ठगे गए? नहीं, हम नहीं ठगे गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अपने जमान के बड़े पक्के हैं, वो किसी को ठगते नहीं है। अब आपको मैं क्यों बताऊं कि उनके हमारे बीच में क्या बात हुई है? ये तो हम लोगों का निजी मामला है ना। लेकिन आप कब बोले चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा था ना? मैं अभी भी कह रहा हूं कि राजनीति में मैं आया था इसलिए कि चुनाव लड़ूंगा। मैंने हमेशा कहा चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। लेकिन दूसरी जो बात कही वो आपने नहीं सुनी, पहली बात पकड़ ली। मैंने भी कहा कि राजनीति के समीकरण ऐसा होते हैं कि कभी कभी आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चीजें मूव नहीं करती हैं, उसमें हेर फेर हो जाता है। तो ये 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 बात समझने की है, इसमें हताशा और निराशा वाली बात तो और ठगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं उनके साथ था, उनके साथ हूँ, एनडीए के साथ हूँ,